बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 6, फूड एंड डाइट, विच इज़ ऑन पेज नंबर 56। फूड मींस खुराक या खाना, ठीक है, एंड डाइट मीन ग़िज़ा। फूड में जो है वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में हम उसको खाते हैं, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने ये वाला खाना खाना है और ये वाला खाना नहीं खाना, बल्कि इसमें हर किस्म का खाना आता है। और अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में जो है वो स्पेसिफ़िक किस्म के खाने आते हैं, ठीक है। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स डले हुए होते हैं खाने में वो राइट अमाउंट में होते हैं, ठीक है। डाइट में ये नहीं होता कि आपने जो है हर किस्म का खाना खाना है, बल्कि डाइट में ये होता है कि आपको स्पेसिफिक खाना खाते हैं, उसकी कोई भी मेडिकल रीज़न हो सकती है या वेट लॉस की वजह से, ठीक है। और फूड के बारे में तो आप बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस क्लासेस में। फूड दैट प्रोवाइड्स नरिश टू अवर बॉडी, इट इज़ हेल्प इन बिल्डिंग द बॉडी एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम मैनी डिजीज़। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हेयर यू कैन सी अ पिक्चर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ जेम्स लिंड। एंड हु वॉज जेम्स लिंड? अब यहाँ पे दो स्पीच बबल्स देख रहे हैं, एक ये और दूसरा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे वो जेम्स लिंड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ फूड एंड डाइट, यानी कि फूड एंड डाइट की जो स्टडी है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। मीट द स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स लिंड, ये हैं डॉक्टर, स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स लिंड, हु वॉज वन ऑफ द पायोनियर्स इन दिस फील्ड अबाउट 300 ईयर्स अगो। ही डिस्कवर अ सिंपल क्योर फॉर अ टेरेबल डिजीज कॉल्ड स्कर्वे लेमन जूस। जेम्स लिंच, ही वॉज बॉर्न इन 4th October 1719 एंड ही वॉज द पायोनियर इन द फील्ड ऑफ हाइजीन। ही डिस्कवर द सिंपल क्योर फॉर अ टेरेबल डिजीज, टेरेबल मतलब खौफनाक डिजीज जो स्कर्वे है, उसका इन्होंने इलाज जो है डिस्कवर किया था, और वो इलाज है उन्होंने सिट्रस फ्रूट्स के थ्रू किया था, ठीक है। स्कर्वे क्या है? स्कर्वे बेसिकली एक डिज़ीज़ है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन सी के। और इसमें क्या होता है, वीकनेस शुरू हो जाती है, एनीमिया होता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, और उसके बाद स्किन की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो है पुअर हीलिंग ऑफ वाउंड्स, यानी कि जो ज़ख़म है उसमें वो इतनी जल्दी या इतनी आसानी से नहीं भरता, ठीक है। ब्लीडिंग, और इसमें ब्लीडिंग होती है अंडर द स्किन। तो अगर जो है इससे स्कर्वे से बचाव के लिए इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि हम अपनी अमाउंट में जो विटामिन सी है उसकी जो तादाद है या वो उसको हम बढ़ा दें, यानी कि हम अपने फूड में जो विटामिन सी जो है उसको हम ज़्यादा लें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह खाएं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पीच बबल आप देख रहे हैं वो इसमें कह रहे हैं कि ओ हेलो, यानी कि ये जेम्स लिंड बोल रहे हैं, ओ हेलो, वेल साइंस हैज़ मेड मैनी न्यू डिस्कवरीज सिंस माई टाइम, आई टेल यू अबाउट बैक्टीरिया एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। वो कह रहे हैं कि साइंस ने मेरे टाइम से लेकर अब तक कई डिस्कवरीज की हैं, ठीक है, और मैं आपको जो है बैक्टीरिया और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में बताऊँगा।
तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट होता है दैट, और फर्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया एंड फूड। बैक्टीरिया क्या होता है? आई बिलीव यू लर्न अबाउट बैक्टीरिया फ्रॉम लुईस पाश्चर। सी पेज 46। ही वॉज अ वेरी फाइन साइंटिस्ट। बैक्टीरिया लिव इन द फूड एंड अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मलेस। बैक्टीरिया बेसिकली दीज आर द माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स के एक सेल वाले होते हैं, जिस तरह ह्यूमन बींग्स हो गए एंड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनमें तो बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, लेकिन जो बैक्टीरिया है या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर, यानी कि उनमें एक ही सेल होता है, ठीक है। एंड दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर, और ये हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया लिव इन फूड, बैक्टीरिया खाने में रहते हैं। एंड अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मलेस, और बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। हाउएवर ताहम देयर आर सम बैक्टीरिया लिव इन फूड दैट आर वेरी हार्मफुल। यहाँ कुछ बैक्टीरियाज ऐसे जो होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो कि फूड में रहते हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, यानी कि वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। यू कैन गेट रिड ऑफ मोस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया बाय हीटिंग फूड। आप इन बैक्टीरिया से निजात हासिल कर सकते हैं खाने को गर्म करके, बट इफ़ यू डू नॉट हीट द फूड इनफ और लीव इट टू कूल डाउन, द बैक्टीरिया विल हैंग अराउंड। लेकिन अगर आप खाने को जो है इतना ज़्यादा गर्म नहीं करते, या आप उसको गर्म करने के बाद काफ़ी टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो हैं वो फिर आपके खाने के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं दे कैन बी डेंजरस फॉर अस इन दैट सेंस इफ़ दे कॉज्ड इन्फेक्शन, कि अगर बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो वो हमारे लिए जो है हार्मफुल होंगे, वो हमारे लिए डेंजरस होंगे। बट दे ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस इन दैट सेंस के इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड और इन द मेकिंग ऑफ द ब्रेड, वाइन, योगर्ट, इन दैट सेंस बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल फॉर अस। I want to warn you about two types of bacteria that cause food poisoning, E. coli and Salmonella. वैसे तो जो bacteria है उसकी बहुत सारी types हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है according to food poisoning, bacteria's की दो types हैं। तो उस कह रहे हैं कि I want to you to warn about, कि मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ अबाउट टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, दो किस्म के बैक्टीरिया के बारे में दैट कॉज फूड पॉइजनिंग, जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, ठीक है। फूड पॉइजनिंग एक डिजीज़ है जो कि इन दो बैक्टीरियाज की वजह से होती है, और वो दो बैक्टीरिया हैं ई कोलाय एंड साल्मोनेला। ई कोलाय, ई स्टैंड फॉर एस्केरिशिया कोलाय,